देश के ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी का वेट कर रहे थे, साथ ये भी जून में जो नेट का पेपर होने जा रहा है उसकी तैयारी में लगे हुए थे ताकि उस नेट के थ्रू वो पीएचडी में एडमिशन ले लें, तो उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ से पीएचडी के लिए जो एप्लीकेशन है उनका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। देख लेते हैं विस्तृत रूप से। और पहले तो आप सभी को गुड लक कि आप ये जून का जो नेट है, जो बच्चे जैसे जेआरएफ नेट और पीएचडी के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब यूजीसी ने जो पीएचडी के लिए जो नियम था उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया था कि जो नेट का एग्ज़ाम है उसके थ्रू यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन होंगे, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका दे दिया है उत्तर प्रदेश की जो ये यूनिवर्सिटी है कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में, कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर पीएचडी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। देख लेते हैं यहाँ पर, तो पीएचडी ब्रोशर में हम देखें विस्तृत रूप से, तो यहाँ पर ऑनलाइन जो पंजीकरण और आवेदन करने की जो डेट बता दी है कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 27/5/2024 से 16/6/2024 यानी कि मई 27 मई से और 16 जून तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने की जो डेट बताइए वो 18 जून बताइए यहाँ पर, और आप सबको पता है कि 18 जून को यहाँ पर यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम है वो भी होने जा रहा है, तो इस दिन प्रवेश पत्र आ जाएंगे। और जो ये टेस्ट होगा आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर वो 22 जून को यहाँ पर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसका जो रिजल्ट है उसकी डेट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है कि 30 जून 2024, यानी पहले ही पूरा यहाँ पर शेड्यूल बना दिया है कि कब एग्ज़ाम है, कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है और कब यहाँ पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की साइड पे आपको 30 जून को आपका रिजल्ट आपके हाथों में आ जाएगा। फीस देख लीजिए कि यहाँ पर अनरिजर्व और ये जो ओबीसी है उनके लिए 1500 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, और एसटी और एससी की बात करें तो 1000 यहाँ पर फीस रखा गया है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं इसमें क्या बताया गया ब्रोशर में। देखिए वही फर्स्ट तो ये है कि आपको डेट बता दिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की, और यहाँ पर प्रवेश पत्र की डेट दे दी है, और परीक्षा आपकी वही 22 जून को होने जा रही है। उसके बाद वार्निंग दे दी है कि भाई नोट लगा के यहाँ पर कि 16/6 के बाद ये फॉर्म आप फिल नहीं कर पाओगे। फीस वापस से यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब देख लीजिए कि सीट क्या रहने वाली है, कि किस सब्जेक्ट में सिद्धार्थ विश्व यूनिवर्सिटी से कितना कितना यहाँ पर सीट आया है। तो एक बड़ी वैकेंसी हम पीएचडी के लिए मान के चलें, क्योंकि लास्ट में हम देखें तो अप्रोक्स ये 700 के आसपास जा रही है, यानी 691 सीट यहाँ पर शो हो रही है। तो जैसे हम इंग्लिश में बात करें, देखो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी दे रखी है कि इस टेस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, साथ में यहाँ पर कोड दे दिए विषय कोड और सीट संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर 33 सीटें अच्छी सीटें हैं, हिंदी के लिए 55 है, संस्कृत में आप देख लीजिए यहाँ पर 50 सीट है, उर्दू में यहाँ पर 12 है, प्राचीन इतिहास में 24 सीट है यहाँ पर, और हिस्ट्री जो है उसमें 17 है, और इकोनॉमी अर्थशास्त्र में आप देख लीजिए यहाँ पर 16 सीट दी गई है, सोशोलॉजी में यहाँ पर 46 है, पोल साइंस में आप देख लीजिए 55 सीट यहाँ पर शो हो रही है, और पब्लिक एड में देख लीजिए यहाँ पर कि 8 सीट यहाँ पर है, कॉमर्स में आप देख लीजिए कि 28 है, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन में यहाँ पर 17 सीट है, ज्योग्राफी में 52 है, अच्छी सीट है ज्योग्राफी, और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की हम बात करें तो 56 यहाँ पर है, अच्छा सीट है, फिजिक्स देख लीजिए यहाँ पर 34, और मैथमेटिक्स में 48 है, प्राणी विज्ञान की हम बात करें जूलॉजी की तो इसमें हो जाती है आपकी 38 सीट, और बॉटनी में आप देख लीजिए 26 है, उसके बाद रक्षा अध्ययन का जो है उसमें 2 सीट यहाँ पर आपको पीएचडी की है, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 7 सीट हो जाती है, होम साइंस की आप बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं, और साइकोलॉजी में 8 सीट है, शिक्षक शिक्षा में देख लीजिए 27 है, और ये प्रबंध अध्ययन यहाँ 24 सीट दी गई है। तो कुल मिलाकर 691 यहाँ पर सीट, जो कि एक बहुत अच्छा यहाँ पर मान के चलिए
फिगर हो जाता है पीएचडी के लिए कि अप्रोक्स 700 बच्चे इस यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पीएचडी करने जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं, देख लीजिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या होने वाला है और किन के लिए एग्ज़ाम होगा और किन को छूट दी जाएगी उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको शोध पात्रता परीक्षा ये बता दी है कि ये 200 यानी 200 मार्क्स की यहाँ पर होने जा रही है और ये पेपर इसमें बताया आपको कि दो भागों में होगा ये पीएचडी के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर लिखित यानी आपसे रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा और सेकेंड यहाँ पर इंटरव्यू यानी आपका साक्षात्कार। आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 140 अंकों का होगा 140 का और आपका जो इंटरव्यू हो जाता है वो शेष यहाँ पर 60 मार्क्स का हो जाएगा। अब बताया है कि लिखित परीक्षा यानी आपको रिटर्न एग्ज़ाम में 50% यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो लाने ही पड़ेंगे, परसेंटेज में 50% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए उस एग्ज़ाम में लाना ही पड़ेगा। साथ में बताया है कि अगर रिजर्व कैंडिडेट है तो उसके लिए 40% यहाँ पर क्वालिफाई के लिए रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट जिसने यूजीसी सीएसआर और आईसीएआर और जो भी नेट जीआरएफ जैसे परीक्षाएं जिनको उत्तीर्ण की हुई हैं पहले, तो उनके लिए यहाँ पर बता दिया है कि उनको इस टेस्ट से छूट दी गई है यानी वो सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, यानी उनके लिए ये रेट वाला एग्ज़ाम नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जो कैंडिडेट नेट जीआरएफ ये क्वालिफाई हैं तो वो इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे, फिल करना पड़ेगा फॉर्म और जो फीस है फीस पे करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को। हाँ, इतना है कि उनको इस टेस्ट से क्या है छूट दे दी जाएगी। आगे देखिए, हाँ, साक्षात्कार के समय कार्य परीक्षा में उत्तीर्णांक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी पीजी जो चल रहा है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ इन्होंने बता दिया है कि जब आपका इंटरव्यू होगा और आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो उस इंटरव्यू की डेट तक या उस दिन आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर फ्रेंड्स। और जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे यहाँ मेंशन कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वही मान्य यहाँ पर होंगे। यहाँ पर जो टेबल दी गई है यहाँ पर कोड संख्या दे दी गई कि रिजर्व के लिए 01 है, ओबीसी के लिए 02 है और ये है ईडब्ल्यूएस के लिए 05 है और ये आपकी अनुसूचित जाति 03 है और अनुसूचित जनजाति 04 कोड यहाँ दे दिया है। शोध पंजीकरण प्रक्रिया देख लीजिए यहाँ पर आपको कि आपका रिसर्च रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हुआ, कि आप जो भी सफल होंगे उसको विश्वविद्यालय के द्वारा जो पर्यवेक्षक है फाइनल जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पर शोध पर्यवेक्षक की सहमति पत्र यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो ये कोर्स वर्क होगा पीएचडी में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे इंटरव्यू को, तो उसके बाद जो कोर्स वर्क होगा वो कोर्स वर्क की क्लासें 6 महीने की यहाँ पर 6 महीने का कोर्स वर्क है वो आपको करना होगा। अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी जैसे मान लो कोई छुट्टी है अवकाश है तो उन अवकाश के दिन भी आपकी क्लासें लगाई जा सकती हैं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर होगा कि वो किस तरीके से आपकी क्लासें कंप्लीट करती है कोर्स वर्क की। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट जॉब में हैं यानी सेवारत हैं उनको 6 महीने की जो एनओसी है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होगी और उसी के बाद फिर आप कोर्स वर्क की फ़ीस को यहाँ पर पे कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप मेन साइट पर जिसकी पीडीएफ है वो डाउनलोड करके आप यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं। और 20,000 रुपये यहाँ पर जनरल की आपको पता है कि बताई गई है कि कोर्स वर्क में जो है रजिस्ट्रेशन वाला वो बता दिया है और छूट भी दी गई है 50% अदर कैटेगरी को जिसमें हम देख लेते हैं। हाँ, कोर्स वर्क के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर 75% आपकी उपस्थिति होना अनिवार्य बता दिया है कि आपकी 75% इस कोर्स वर्क के दौरान अटेंडेंस होना ही चाहिए। और देख लीजिए कि इस कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में आपको न्यूनतम 55% मार्क्स लेकर आने ही होंगे, यानी आपको 55% बनानी है इस कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में, तब जाकर आप का रजिस्ट्रेशन पीएचडी के लिए हो पाएगा। तो
तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश के ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी का वेट कर रहे थे, साथ ही अभी जून में जो नेट का पेपर होने जा रहा है उसकी तैयारी में लगे हुए थे ताकि उस नेट के थ्रू वो पीएचडी में एडमिशन ले लें, तो उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। आगे देख लीजिए, ये पीएचडी फी स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फीस आधा जो यूनिवर्सिटी है उसकी तुलना में तो मेरे को ज़्यादा नहीं लगती है कि एडमिशन फीस 500 रुपये देख लीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट यह है 1000 रुपये, आई कार्ड फीस देख लीजिए 100 रुपये है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क फीस आपकी 20000 रुपये है, सेमेस्टर फ़ी देख लीजिए यहाँ पर, इसमें इंक्लूडिंग है ट्यूशन फ़ी, वो 1500 पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर कोई ज़्यादा फीस नहीं है 1500। और डेवलपमेंट फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 800 हो जाता है, 800 रुपये यहाँ से पर सेमेस्टर लेंगे। लाइब्रेरी फ़ीस है वो 200 रुपये यहाँ से आप लिए जाएंगे, और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 1000 रुपये पर सेमेस्टर लिए जाएंगे। हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी ये यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग जो भी चार्ज है वो आपको बता देंगे। तो ये तो था आपके फॉर रेगुलर और फुल टाइम स्टूडेंट जो यहाँ से पीएचडी करेंगे, और ये फ़ीस रखी गई है जो कैंडिडेट जॉब में है और पार्ट टाइम यहाँ से पीएचडी करेंगे। तो आप सभी फ्रेंड इस नोटिफिकेशन को जारी कर अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, या फिर हम बात करें कि रेट और रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।